इज्जत एहतराम के साथ प्रोफेसर सदीकुर रहमान कजवई साहब सेक्रेटरी वाजिब स्टेडियम से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लें। इस इख्तितामी इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर सदीकुर रहमान कजवई साहब, प्रोफेसर अनीश असफाक साहब, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब और तमाम सामईन हाजरीन का बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ मैं इस कंक्लूडिंग सेशन के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है प्रोफेसर अनीश असफाक साहब से कि इस सेमिनार के ताल्लुक से अपने तासर आपका इजहार फरमाएँ। इस इख्तितामी तकरीब के सदक जनाब प्रोफेसर सदीकुर रहमान कदवाई साहब हमारे अहद के मुमताज नुमाया नाकिद और दानिश्वर प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, जनाब इदरीस अहमद साहब, ख्वातीन हज़रात, मैं इस बार जब ऐवान गालिब में दाखिल हुआ और ऐवान गालिब के इस हॉल में दाखिल हुआ तो मैं आप दीदा हो गया, और इस वक्त भी मैं अगर से आपको मेरे आंसू नज़र ना आए लेकिन मैं अंदर से आप दीदा हूँ। बहुत सी ऐसी सूरतें, बहुत सी ऐसी शक्लें जिन्हें हम यहाँ देखा करते थे, जो वाबस्तगान ऐवान गालिब थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं। आँखें हमारी उनको ढूंढ रही। एक बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल शख्स जिसके कंधों पर ऐवान गालिब का बोझ था, मेरी मुराद रज़ा हैदर से है, जो बहैसियत डायरेक्टर इंतहाई मुतहर्रिक और फ़ाल थे। जब मौत ने उनको आ लिया तो मेरे ज़हन में यह ख़्याल पैदा हुआ कि क्या ऐवान गालिब में वो फ़ालियत और वो तहरुक कायम रहेगा। एक तरफ मुझे रज़ा हैदर की मौत का गम था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये खुशी भी हुई कि इदरीस अहमद साहब ने उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। और जिन लोगों ने यह सेमिनार देखा है 11 से लेकर 13 तक, उन्होंने भी ये महसूस किया होगा कि इस सेमिनार की तश्कील में, इसकी तंजीम में किसी तरह की कमी नहीं। मैं सेमिनार के मुतालिक कुछ कहने से कम सदीकुर रहमान साहब कुश्तगान कोविड के नाम से मैंने एक 5-6 शेरों की नज़्म कही थी, और इसे मैं इसके साबिक डायरेक्टर रज़ा हैदर की नज़र कर रहा हूँ। वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हैं वो सुन रहे होंगे। तो उन कुश्तगान कोविड में ये मैं इदरीस अहमद साहब को इसकी मुबारकबाद का लफ्ज़ तो नहीं, मैं सताइश करना चाहता हूँ कि इस बार का उन्होंने जो कैलेंडर शाया किया है उनमें तमाम कुश्तगान कोविड की तस्वीरें, लेकिन एक नाम छूट गया है और उसे कभी शामिल कर लीजिएगा, वो भी कोविड का शिकार हुए और वो भी वाबस्ता रहे हैं ऐवान गालिब से किसी ना किसी शक्ल में,
और वो हैं अंबर बहराइची। तो पहले मैं ये एक ताज़ियती नज़्म है और उसके बाद फिर मैं आप ये कुश्तगाने कोविड के नाम है और रज़ा हैदर की याद में है कि हरी भरी शाखों से टूटे कैसे कैसे फूल, हरी भरी शाखों से टूटे कैसे कैसे फूल, आई ऐसी आंधी जिसने बहुत उड़ाई धूल, पीरों जवां सब मिट्टी की आगोश में जाकर सोए, पीरों जवां सब मिट्टी की आगोश में जाकर सोए, कैसे कैसे मोती हमने गंजे गुहर से खोए, कैसे कैसे मोती हमने गंजे गुहर से खोए, सर पर गठरी दुख की रखी बोझ गमों के ढोए, सर पर गठरी दुख की रखी बोझ गमों के ढोए, सुबह हुई तो सोग में डूबे रात आई तो रोए, सुबह हुई तो सोग में डूबे रात आई तो रोए, नम आँखों में घूम रही हैं उन सब की तस्वीरें, नम आँखों में घूम रही हैं उन सब की तस्वीरें, वक्त से पहले मौत ने जिनको पहना दी जंजीरें, वक्त से पहले मौत ने जिनको पहना दी जंजीरें, कहाँ से लेकर आऊँ अब मैं अपने चाँद सितारे, कहाँ से लेकर आऊँ अब मैं अपने चाँद सितारे, कोई फलक पर जाए जाकर उनके नाम पुकारे, कोई फलक पर जाए जाकर उनके नाम पुकारे, कैसे उनके हर्फ थे रोशन क्या उजली तहरीरें, शमसुर्रहमान फारूकी शमीम हनफी सब, कैसे उनके हर्फ थे रोशन क्या उजली तहरीरें, अब ना अंधेरों में देखेंगे हम उनकी तनवीरें, अब ना अंधेरों में देखेंगे हम उनकी तनवीरें, उम्र गुजर जाएगी उनका मातम करते करते, उम्र गुजर जाएगी उनका मातम करते करते, एक ज़माना लग जाएगा जख्म के भरते भरते, एक ज़माना लग जाएगा जख्म के भरते भरते। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा कि हमें कोई कमी नहीं महसूस हुई उसी कर्रोफर से, उसी शान से, उसी अंदाज से ये सेमिनार मुनक़िद किया गया, बल्कि मैंने बाज़ तब्दीलियाँ भी इस सेमिनार के इनेकाद में महसूस की और उसका ज़िक्र भी मैंने इदरीस साहब से किया। तो एक अक्सर मैं कहा करता हूँ और ऐसे ही कई बार मुझे यहाँ के अख्तितामी इजलास में बोलने का मौका मिला और उस वक्त मैंने यही बात कही कि देखिए सेमिनार की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उसने सुनने वालों की ज़कावतों और बसीरतों में कितना इजाफ़ा किया है। अब अगर ये इजाफ़ा हुआ है तो सेमिनार कामयाब, और इस एतबार से अगर हम इस सेमिनार को देखें, अगरचे इसमें 26 मकाले पढ़े गए, 25 से ज़ायद मकाले पढ़े गए और हमारे 8 इजलास हुए, सुदूर इसके 8 थे, सब ने मकालों में अपनी सदारती तकरीरों में उसी मरकज़ी मौजू पर इजहार ख़याल किया, अगर से ज़ाहिर है कि मौजूआत का इंतखाब अलग अलग किया गया था, तो उन सब को सुनने के बाद, और देखिए हर सेमिनार में आप ये तवक्कु नहीं कर सकते कि हर मकाला एक डाल का हो, कुछ मकाले अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ में गुलू से काम लिया जाता है, कुछ में मुबालगे से काम लिया जाता है, कुछ में अपनी पसंद को हतमी और दाहिनी शक्ल देने का काम किया जाता है कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तो अब इस सेमिनार में एक बात ये भी निकल के आई कि यहाँ हमारे सदीक़ुर्रहमान हिदवाई साहब सारे अजलास में मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ कुछ फतवे भी दिए गए, कुछ मफरूज़ात भी कायम किए गए, कुल्लियात भी कायम किए गए, कुछ मफरूज़ात मुनहदिम भी किए गए। जब फतवे दिए गए तो मैंने महसूस किया कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि उर्दू अदब में अब मुफ्तियों की आमद आमद है। स्वीपिंग रिमार्क्स,
तो यार एक सेमिनार में ऐसा नहीं होता है कि आप एक साहब ने कह दिया शायरी ख़त्म हो गई है, अब शायरी है ही नहीं, तो नावल ज़्यादा लिखे जाने लगे, अफसाने ज़्यादा लिखे जाने लगे, तो उसका मतलब है शायरी ख़त्म हो गई। शायरी है, एक हर ज़माने में एक सिंफ जो है वो गालिब आ जाती है। आज नावल गालिब है, हर तरह का नावल लिखा जा रहा है और हर शख्स लिख रहा है और हर नावल निगार ये समझ रहा है अतीकुल्ला साहब कि उसने सबसे अच्छा नावल लिखा। मेरे इल्म में ये भी आया है कि बाज लोग तो नोबेल प्राइज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी है खुशफहमियों से आप कैसे रोक सकते हैं। तो सारे मकाले जैसा मैंने अर्ज़ किया कि एक डाल के नहीं, लेकिन अगर चार पांच मकालों ने भी पूरे सेमिनार में आपकी बसीरतों में आपकी ज़कावतों में इजाफा किया है तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। और हर सेमिनार में कुलियात भी कायम किए जाते हैं और मफरूजात का मुनहदिम करना तो एक बहुत खुशाइन बात है कि जो एक मिथ बने हुए हैं उनको आप तोड़ते हैं और हमें अच्छा लगता है। और जब हमारे छोटे हमसे कम उम्र के लोग उन मिथों को तोड़ते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। तो अब ये शिकायतें आम होती हैं, जैसे सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात है, इतनी बार कहा गया, जैसे अभी शाफिक कह के गए कि आप उनको कितना ही मौजू का पाबंद बनाइए लेकिन वो लिखेंगे वही जो वो लिखना चाहते हैं, आप कितना ही कहिए इख्तिसार से काम लीजिए लेकिन वो इसमें कोई रियायत नहीं करते, वो पढ़ेंगे उतना ही जितना लिख कर लाएँ। तो ये ना समझिए कि ये गालिब के सेमिनार में ये हो रहा है, ऐवान गालिब के सेमिनार में हो रहा है, ये हर सेमिनार में होता है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखने के बावजूद अगर जैसा मैंने अर्ज़ किया उस एतबार से आप एक सेमिनार को देखें तो इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। अब जैसे नज़्म पर ये बैठी हुई हैं हमारी शहनाज नबी, मेरे ख़्याल में तो इनके अलावा किसी और ने नज़्म पर नहीं पढ़ा, और बहुत अच्छी बात ये रही कि इन्होंने एक तकाबुली मुतालिया किया हिंदी और उर्दू नज़्म का, तो अब नज़्म पर मकाले नहीं पढ़े गए, तो ये भी होता है। गज़ल पर बहुत पढ़े गए और नावल पर बहुत पढ़े गए, और नावल पर या अफसाने पर या फिक्शन पर इसलिए पढ़े गए कि अगर आप ये पूछेंगे वाकई ये अहद जो है किस सिंफ से ताबीर किया जा सकता है तो वो फिक्शन की सिंफ है, फिक्शन इस वक्त गालिब। अब आप तमाम मकालों को देखिए, इतनी बातें कहने के बावजूद भी अगर आप मजमूई मुहाकमा करें तमाम मकालों का तो उनमें से बहुत ऐसे मकाले थे कि जिन्होंने वाकई आप तो तलबा हैं आप तो सामीन हैं मुझ जैसे लोगों में और हमारे अतीकुल्ला साहब होते हैं तो उनकी बसीरतों में भी इजाफा होता है, छोटे भी हमारी बसीरतों में इजाफा करते हैं, हमसे कम इल्म रखने वाले भी अपनी ज़कावतों और बसीरतों से हमारी ज़कावतों और बसीरतों में इजाफा करते हैं। तो इससे बड़ी किसी सेमिनार की और कामयाबी क्या हो सकती है। और मैं इसके लिए अतीकुल्ला साहब जिन्होंने इस पूरे सेमिनार की खाका साजी की, इदरीस अहमद साहब जिन फातमी साहब जो यहाँ शरीक नहीं हो सके, तो जो भी इसके खाका साज हैं वो, और इंतज़ामी सतह पर जो लोग शरीक रहे हैं, हमारे मेहदर रजा बैठे हुए हैं, ये क्या नाम है बच्चे तुम्हारा, तो ये किस तरह से मुश्ताक साहब ये मुतहर्रिक और फ़ाल और हर एक का ख्याल रखना। अच्छा इदरीस साहब का बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इन्होंने हर शरीक होने वाले का ख्याल रखा। ये गेस्ट हाउस में हमारे जिस दिन हम पहुँचे हमारे कमरे में आ गए, इधर हमने अपने सामान रखा और ये कमरे में आ गए और हमारी खैरियत दरियाफ्त की, तो मेहमान नवाजी में भी इन्होंने किसी तरह की कमी नहीं रखी। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखें सुनने वालों के एतबार से पढ़ने वालों के एतबार से मैं समझता हूँ, और मौजूआत के साथ इंसाफ करने के एतबार से वो जाने दीजिए जो बातें मैंने कही हैं, इन थोड़ी सी कमियों और खामियों के बावजूद अपने तमाम साबिका सेमिनारों की तरह ये सेमिनार भी जो है ये पूरी तरह से कामयाब है, और इसके लिए मैं यहाँ के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनीश अशफाक साहब। प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब जो इस पूरे सेमिनार के रोए रवा हैं, आपने पूरे इसके
ذیلی عنوانات طے کیے، آپ نے ہی پورا اس کا مرکزی خیال اور ساری چیزیں طے کی ہیں، میری آپ سے درخواست، آپ کا کی نوٹ ایڈریس بھی تھا وہاں ہمارے افتتاحی جلسے میں، لیکن وہ کچھ اس پورا نہیں پڑھ پائے تھے، آج میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو جو ہے جو باقی رہ گیا تھا سر اس کو بھی پیش فرمائیں، اور اپنے تمام تر مجموعی طور پہ سر جو ہمارے سیمینار منعقد ہوا ہے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، دراصل رضا حیدر صاحب کا نام جو درمیان میں آیا اور عزیز شفاق صاحب نے جو یاد دلائی، تو واقعہ یہ ہے چونکہ وہ میرے شاگرد عزیز تھے اور میرے ہی انڈر میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا تھا اور میں بھی انہیں بہت عزیز رکھتا تھا شروع ہی سے، بلکہ علی گڑھ کبھی جاتا تھا تو اکثر انہیں کے یہاں ٹھہرتا بھی تھا، تو مجھے اس کا اپنی جگہ بہت دکھ ہے۔ اور غالب انسٹیٹیوٹ کو جس طرح سے انہوں نے نئے نئے منصوبے کے تحت اس کی جلا کاری کی تھی اور ان میں جو ایک انٹینسٹی تھی، جو شدت تھی اور جو فعالیت کا بھی آپ نے اشفاق صاحب نے ذکر کیا، بہت فعال شخصیت تھے، اس لحاظ سے ان کی کمی کی ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی کچھ انفرادیت ہوتی ہے، اس کی بھرپائی تو مشکل ہوتی ہے، لیکن دوسری انفرادیت کی توقع کی جا سکتی ہے، جو ہمیں ادریس صاحب کی شکل میں میسر آیا ہے اور صدیق الرحمٰن قدوائی صاحب کی سرپرستی میں جو ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہی تربیت رضا حیدر کی بھی کی تھی قدوائی صاحب نے، قدوائی صاحب بہت تجربہ کار استاد معلم اور نقاد ہیں اور ہم سب ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ وہ اپنے علم میں بھی ان کا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جہاں تک اس سیمینار کا تعلق ہے، اس کا ہر سال موضوعات کے سلسلے میں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ کون سا ایسا موضوع ہے جو کہ انچھوا ہے یا جس پر سیمینار ہوئے نہیں ہیں یا کم سے کم ہوئے ہیں، تو اس وقت قدوائی صاحب کا خیال یہ تھا کہ تخلیقی رویوں پر ہونا چاہیے، جو کہ تخلیقی رویے ہمارے یہاں اس دور میں جو دکھائی دے رہے ہیں رسائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور کتابیں پہلے سے کہیں زیادہ شائع ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے تخلیقی رویوں پر ہونا چاہیے، تو اس میں معاصر کا اضافہ کیا گیا۔ اب یہ لفظ ظاہر ہے پہلے ہی جب میں نے اپنے کی نوٹ ایڈریس میں یہ بات کہی تھی اور اس وقت بھی ادریس صاحب سے قدوائی صاحب سے جب بات ہوئی تھی اور جب اس کا نوٹ لکھا گیا تھا تو اس پہ بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ چونکہ معاصر کی کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ 1990 کے بعد، یعنی ان 30 برسوں میں درمیان میں بزرگ بھی آئیں گے، اوسط عمر کے جوان عمر نوجوان بھی آئیں گے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پورے 30 برسوں میں جو کچھ بھی، اور 1990 اس لیے بھی رکھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مآباد جدیدیت 1990 کے بعد یہاں اس میں اس کا فروغ ہوا یا بتدریج ارتقاء کے عمل میں آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ مغرب میں نہیں ہوا، مغرب میں تو ہرمیز کہتا ہے کہ نیوتار کہتا ہے کہ 1960 میں مآباد جدیدیت کا آغاز ہو چکا تھا وہاں، جبکہ 1960 میں ہمارے یہاں جدیدیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے، معاصر کا مسئلہ یہ تھا، اور چونکہ قدوائی صاحب کے علاوہ اور یہاں جو حضرات موجود ہیں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ 70 برس پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ یہ کیوں اٹھا تھا؟ یہ اس وقت اٹھا تھا
کہ جبکہ تقسیم وطن کی واردات عمل میں آ چکی تھی اور تقسیم وطن کے بعد چونکہ صفیں بکھر چکی تھی، کچھ لوگ ادھر سے ادھر آئے، کچھ ادھر سے ادھر گئے، اور کچھ لوگ بے گھری کا برسوں تک شکار رہے، اور ایک صفوں میں انتشار تھا، وہ انتشار بہت عرصے تک ذہنوں میں بھی رہا۔ اس لیے کچھ یہ کہہ لیجئے کہ رسائل میں اور کتابوں میں بڑی کمی واقع ہو گئی تھی۔ تو اس وقت حسن عسکری نے یہ نعرہ بلند کیا، میں اس نعرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے با آواز بلند یہ بات کہی تھی کہ ادب میں جمود طاری ہے، یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ پچھلے 3-4 برسوں سے ہم بار بار رسائل کے اداروں میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب اچھا ادب سامنے نہیں آ رہا ہے، اچھی شاعری سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ صورتحال، جیسا کہ حدیث الفاظ صاحب نے بتایا کہ یہ تو ہوتا آیا ہے، کبھی کوئی صنف غلبہ حاصل کر لیتی ہے، کبھی کوئی صنف ایک حامی رجحان کے تحت اسے فروغ ہو جاتا ہے، اس طرح سے صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ادب کی تاریخ میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ معاصر، اس وقت معاصر ادب کی بات کیوں شروع ہوئی جبکہ جمود کا تارہ یعنی ایک نعرہ بلند کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی محمد حسن عسکری صاحب کے ذریعے، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے نقاد اور دانشور کہلاتے تھے۔ تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ خود بھی موجود تھا کہ انتشار کے عالم میں ہیں وہ، لیکن ایک طرف یہ بات تھی اور دوسری طرف رسائل میں ایک بہت بڑے اشتہار کے طور پر یہ آتا تھا کہ چوکانا ادب کا مقدس فریضہ ہے۔ چونکہ یہ آپ لوگ نہیں جانتے، یہ چوکانا ادب کا مقدس فریضہ ہے، یہ کیوں آیا تھا؟ یہ اس لیے کہ چونکہ جمود تاریخ ہے، اس لیے چوکائیے، کوئی نئی بات لائیے، تاکہ اس سے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ایک تجربے کی شکل میں ہونا چاہیے، جس سے یہ احساس نمو پائے کہ ہاں یہ کوئی نئی بات ہے۔ جیسے بازار میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ارے فلاں چیز آئی، اب دیکھ لیجیے، وہ ہم نے پائی ہے، اور پھر یکے بعد دیگرے اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو جمود تاریخ کا نعرہ تھا، اور دوسری طرف چوکانا ادب کا مقدس فریضہ ہے، اور تیسری طرف ترقی پسند تحریک، جو کہ بھیڑی کا کانفرنس کے بعد زوال پذیر ہونے لگی تھی اور نئی نسلوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور وہ لوگ جو کہ ترقی پسند نوجوان نسل کے تھے، بلاد کومل اور خلیل الرحمان اعظمی، وحید اختر اور قاضی سلیم اور دوسرے لوگ، تو انہوں نے بھی دمن کشی اس سے اختیار کر لی۔ اس لیے کہ پارٹی لائن کے تحت وہ ادب کے، یعنی آپ کو حیرت، یہ اس بات پر بھی حیرت ہوگی کہ وہی صاحب جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں حسرت موہانی بھی شامل تھے، اور حسرت موہانی نے دفاع کیا تھا کہ اگر ادب میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے کہ جنسی رجحان دکھائی دے رہا ہے، تو اسے ہر رجحان کو نہ تو فحاشی کہہ سکتے ہیں اور نہ عریانیت کا نام دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی ادب زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اب یہ بات جب کی تو اس وقت ترقی پسندوں نے اس کے خلاف اس لیے آواز اٹھائی کہ منٹو جیسا فنکار تھا جس پر بار بار یہی الزام عائد ہوتا تھا، دوسرے عصمت دختائی تھی، اور انہیں بھی بہت بعد میں ترقی پسندوں نے جب دیکھا کہ بڑے نام تو ایک دو ہی رہ گئے، تو عصمت دختائی کا بھی نام لینے لگے وہ، ادروائز ان سے بھی وہ شاکی تھے، اور منٹو کو تو اس طرح سے ذات باہر کر دیا گیا تھا جیسے کہ وہ کوئی ایسے طبقے سے، پسماندہ طبقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، تو منٹو کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس وقت کی بات ہے کہ ترقی پسندوں نے یہ آواز اٹھائی تھی معاصر ادب کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج معاصر ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ 70 برس پہلے جب ترقی پسندی زوال پر آمادہ تھی،
तो उन्हें अपनी सफ़ों को सफ़बंदी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नारा बुलंद किया, और इसलिए किया कि इससे ये साबित हो जाएगा कि मासिर अदब वो है जो तरक्की पसंद अदब है, और लिखने वाले जो हैं वो उनकी तादाद, उन्होंने बहुत लिखने वालों की तादाद बताई। लेकिन जाहिर है कि हर दौर में, हर रुझान के तहत, हर तहरीक के तहत, दो चार है या बल्कि हर दौर में तारीख यही बताती है कि नाम तो सैकड़ों होते हैं, लेकिन जो छान फटक के बाद छन कर जो नाम आते हैं वो मुश्किल से तीन चार आते हैं। उनको हम जबान हम जब भी याद करते हैं तो सबसे पहले नाम आएगा अभी मीर तकी मीर। अब मीर तकी मीर के साथ तो 85 शोरा थे, सैकड़ों शायरी उस ज़माने के। अगर तस्करे आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर तस्करा जो है उसमें कुछ नए नामों का इजाफा हुआ है, और उसमें भी जो बहुत शागिर्द, जैसे किसी तस्करा निगार के शागिर्द ज़्यादा हैं तो वो उन तमाम शागिर्दों का वो हवाला उसके यहाँ मिल जाएगा। खैर, इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ही नाम तरक्की पसंदों में ज़िंदा भी रहे, लेकिन उन नामों में वो नाम कौन से हैं? आप कृष्णचंद को बहुत बड़ा नाम नहीं रहते, आप कहते हैं हाँ राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़ा अफसाना निगार है। आप शायर में कैफी आजमी को बहुत बड़ा शायर नहीं मानते, आप कहते हैं हाँ फेज अहमद फेज एक अहम तरक्की पसंद शायर है, इसलिए कि फैज अहमद फैज लाहौर में थे और हल्का अरबाब ज़ौक मीरा जी की तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक की तहरीक उस वक्त सबके दिमागों पर हावी थी, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर फैज पर भी पड़ा, और उनके यहाँ जो इस्तियारा साजी मिलती है वो तमाम तरक्की पसंदों से मुख्तलिफ है, और उसी ने ही मखदूम के लहजे को बदला है, उसी ने ही सरदार जाफरी के लहजे को बदला है। उस लिहाज से अब मसला ये, अब ये बात हुई कि भाई मौजू की अहमियत में, यानी मुआसिर अदब में आज भी यही बात थी कि हमारे दौर की जितना भी आपने सुना है उसमें यही देखा है कि भाई वो मसला था और ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है, और ये मसाइल का की नुमाइंदगी अफसाने ने की और नावल ने की और फलाने ने की, ये सब किया। लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा कि क्या सिर्फ मौजू अगर है तो अखबार में क्या होता है? अखबार में भी तो यही होता है, एक खबर आई कि साहब एक फलाने या एक बेटे ने माँ बाप पर कुल्हाड़ी से मार दी, तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं कि पूरी खबर सुन देखते हैं। ऐसी खबरें जो कि भौचक्का करने वाली खबरें हैं, जो कि सरसरी खबरें नहीं हैं। पता चला कि यूक्रेन में वो क्रीमिया के मुतालबे के तहत रूस ने अभी जो बमबारी की उसमें 325 लाख लोग जो है हिजरत कर गए। अब 25 लाख लोग यूक्रेन के यानी कैफ में जहाँ बमबारी चल रही है, 10 लाख लोग आबाद थे, उससे वो यूक्रेन वो कैफ खाली हो गया और 25 लाख लोग यूक्रेन से बाहर चले गए। अब आप गौर कीजिए कि उसके बाद हम उसे अखबार की खबर तो आई, लेकिन मैं देख रहा था कि यूक्रेन की खातून थी जो कि शिकार हुई थी बॉम्ब की, और वो हॉस्पिटल में थी, और उस पर जब उससे बात की तो उसने कहा कि मैंने खुद अभी अपने इन लाशों को जलते हुए और मरते हुए लोगों को देखा है, और मेरे घर बर्बाद हुए हैं, और लेकिन मैंने नज़्म लिखी है और यूक्रेन जिंदाबाद, यानी मैं यूक्रेन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ, मेरे ज़ख्म जो है ये ना भरे तो इसकी कोई परवाह नहीं है, ये नज़्म का लुब्बे लुबाब था। तो कभी कभी मौजू भी इतना भौचक करने वाला, इतना शदीद होता है कि हमारे पूरे वजूद को मुतज़लज़ल कर देता है, और हम उस मौजू से बहुत ज़्यादा एक लिहाज से मुतासर और मरूब हो जाते हैं। और वही आज के दौर में भी हमारे जो नॉवल्स लिखे गए हैं, उन नॉवल्स में एक तरफ तो वो नॉवल्स हैं जिनके यहाँ रवायत को
एक अलग अंदाज से पेश किया गया है, लेकिन तकनीक का अमल, अगर आप याद रखें कि तकनीक ही बुनियादी चीज़ है, मौजू को ये अहमियत नहीं रखता, अखबार की खबर को ये अहमियत नहीं रखती, वो आज पढ़कर आप उसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, लेकिन अगर आपका सफर सगुरी का नॉवल आता है और फायरिंग रे आता है तो आप उसे पढ़ना चाहेंगे कि एक तो इसका नाम ही जो है वो बहुत ज़्यादा झंझोड़ रहा है, फायरिंग रे, फिर एकदम से ख्याल आता है कि कश्मीर का आदमी है, उससे ही नॉवल लिखा है, वहाँ का जो बहरान है, टर्बाइल है, तो वो इसमें किस शिद्दत से आया है। आज मैं अब देख कर मुझे अफसोस भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, और शहनाज को भी होगा कि बर्फ आज से परिंदे का हवाला तक नहीं है, इतना अहम नावल और जिसमें बयानिया इतना ज़बरदस्त है उसका, और इतना ज़बरदस्त उससे करेक्टराइजेशन है, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से तारीख और तहजीब को परोया गया है, उस टेक्निक की तारीफ नहीं की गई, इतना बड़ा नावल वो लिख गई है, और उसका कहीं मैं बहुत कम जिक्र खैर सुनता हूँ। काजी साहब को बुलाया गया था श्रीनगर में, तो इन्होंने एक मजमून लिख दिया था, मुझे यकीन है कि अगर नहीं बुलाते तो शायद नहीं लिखते। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग जिस पर नहीं लिखते हैं लेकिन सेमिनार में बुलाया जाता है तो लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ, और ये सही कहा अल्ताफ अंजुम ने कि कश्मीर है, दूसरे इलाके हैं, उन इलाकों पर तो हम ये अपनी जब भी गुफ्तगू होती है सेमिनार की तो पूरे हिंदुस्तान पर नज़र रहती है, लेकिन नहीं मिलता है कोई, पता चला कि गौर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में किसको बुलाएं, अरे भाई वहाँ से महाराष्ट्र से किसको बुलाया जाए, फुला से किसको बुलाया जाए, कश्मीर से किसको बुलाया जाए, तो नज़र उस पर, मैंने ही अल्ताफ अंजू साहब का नाम लिया था अगर आपको याद हो, कि मुझे मालूम है कि इतनी किताबें लिखी हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी नज़र है, नए अदब पर भी है और नई तहकीक पर भी है। तो इस लिहाज से एक सेमिनार का मकसद ये होता है, और जो बुनियादी मकसद है कि अपने मुआसिर कारी को मुआसिर अदब के मुख्तलिफ पहलुओं, रुझानात और तजुर्बों के बारे में इल्म मुहैया कर सके, और उसमें हो सकता है कि बाज़ मकालात में कुछ कमी हो, ये तो बड़े कोई भी मुकम्मल अदीब नहीं है, मुकम्मल नक्काद नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी कमज़ोरी होती है, लेकिन लॉन्जाइनस ने बहुत पहले ही बात कही थी कि अगर गलतियाँ भी होती हैं बड़े बड़े शायर में, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ की गलतियाँ रशीद हसन खान ने निकाली थी, अगर किसी बड़े शायर में गलतियाँ भी होती हैं तो वो उन गलतियों से कहीं वो गलतियाँ बड़ी हैं जो कि ख़राब शायर किया नज़र आती हैं, और वो उसे अजमत तक नहीं पहुँचा सकती। तो अजमत तक पहुँचाने वाली बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं, आप उसे नहीं झुटलाएंगे। अभी ये बात कर रही थी कि मतन है कि मतन है, देखिए इलाकाई सतह पर आपको तस्लीम करना पड़ेगा यहीं कि आपको अगर कोई मतन कहता है, यहाँ का दिल्ली का आदमी अकल कहता है, तो आपको बांधना पड़ेगा। इलाकाई सतह पर, रोज़मर्रा की सतह पर ये ज़ेर ज़बर की गलतियाँ अगर होती हैं तो इकबाल तो खुद इकबाल कहा करते थे, अब हम क्या कहेंगे, या फिर किस कदर फैज़ को और प्रेमचंद पर और बेदी पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन इनकी बड़ा अदब जब पेश कर गए तो आप कहाँ जाएंगे। बड़े अदब में बड़ी गलतियाँ भी होती हैं, तो इसलिए उन्हें भी आपको बांधना पड़ेगा। और जहाँ तक अब उर्दू का माहौल वो नहीं है कि आप ये कहें कि ये मतन कहा जा रहा है कि मतन कहा जा रहा है, अगर आप ये कहेंगे तो आपको मैं बताऊं कि जितने नावल पढ़े गए हैं, ये नावल जो कि लखनऊ वगैरह में लिखे गए हैं वो छोड़ दीजिए, तो वहाँ आपको गलतियाँ बहुत मिलेंगी, इस कदर मिलेगी कि मैं कभी कोई नावल लेकर बैठता हूँ और पेन लेकर बैठता हूँ तो मुझे हर जगह, अब वो कहाँ गए गजनफर साहब, वो पलीता का जिक्र कर रहे थे, और पलीता नावल इतना मोटा था
वो पहली बार जब छाया होकर आए थे आया था तो इसी नहीं गालिब एकेडमी में उन्होंने मुझे ये कहकर पेश किया कि अभी अभी प्रेस से आया है और ये 10 नावल आए हैं ये आपकी खिदमत में। वो मेरे पास आया और मैंने उसे देखा तो हर पेज पर गलती थी, हर इबारत में गलती थी, यानी जुमला एक जुमले के बाद फिर दो चार जुमलों के बाद फिर गलती। अब आप इसे क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा गलतियों का अंबार देखकर मैंने कहा कि आपने बहुत जल्दबाजी की, इसे आपको नहीं करना चाहिए। देखिए अब ये इसमें ये सब कुछ है, तो वो हंसने लगे कि हाँ ठीक है देखता हूँ मैं, ये है वो है, बस इतनी सी बात हुई। वो मकान में नहीं है, मकान में इक्का दुक्का ऐसी मामूली हैं। तो इसलिए आप गलतियों को दरगुजर कीजिए, आप उसको ये देखिए कि उसके अलावा कितनी खूबियाँ हैं। ये हम इंसान को समझने के लिए भी उसमें कोई बुराई होती है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितनी नई नेकियाँ हैं, उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं। इसलिए वो बुराइयों के अगर तराजू में तोलते हैं तो वो बुराइयाँ कम हैं, मालूम हुआ कि खूबियाँ ज़्यादा हैं। और इंसान की कमज़ोरी यह है कि एक सफ़ेद लिबास पर एक दाग ज़्यादा नज़र आता है और जो पूरा सफ़ेद है वो नज़र नहीं आता। इसलिए ऐब सबसे पहले नज़र आते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम तहसीन और तारीफ है, तनकीस और ऐब और ईयूब ऐब गिनाना ये सबसे आसान तरीन काम है। तो मैं बहुत सी बातें हो गया अशरफ साहब, जो जाहिर है कभी सोच रहा था कि इस जालिम ने जो बातें कही हैं तो वो बातें जो है दोहराने में आएंगी, तो कुछ पटरी पर दूसरी लाइन पर ले जाओ अपनी बात। तो आपका आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत वक्त ले लिया और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। ये 26 नहीं है, ये मकालात तकरीबन 36 हैं और इसमें सुदूर की तकरीरें अलग है और ये मुतनवे हैं। इसमें जाहिर है कि जो मैंने सुने जो मजामी मैंने सुने तो मैं बहुत मुतासर भी हुआ, उसमें कुछ तबालत की वजह से कोफ्त भी हुई और कहीं कुछ ज़्यादा तकरार भी ज़्यादा नज़र आई कि एक ही बात को बार बार जो जबान है जबान फिर हर जबान आ गई फिर जबान पर आया फिर जबान हो गई। एक बात अशफाक साहब पे ये कहना चाहूँगा कि दरअसल बुनियादी बात चाहे शायरी हो और चाहे फिक्शन हो, उसमें जब तक के इंटेंसी बल्कि ये कहिए कि शिद्दत वजूद इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेंस ना हो, वजूदियत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंटेंसिटी ऑफ लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी ना हो, जो शिद्दत जबान में है ताकत, तो ताकत कहाँ है, ऊपर नहीं है, जबान के अंदर से ताकत निकालनी पड़ती है। ताकत जबान में बड़ी कुव्वत मुजबर है, उसके अंदर से आपको निकाल कर लाकर और जब नज़्म कहते हैं तो वो नज़्म जो है वो पूरे वजूद को झंझोड़ देती है। वो नावल और अफसाना जो है वो ऐसा मालूम होता है कि अब तक ऐसा अफसाना या ऐसा नावल नहीं लिखा गया। मंटो के मौजूआत हैं लेकिन मंटो की तकनीक है जिसकी वजह से मंटो जिंदा है। मपासा के मौजूआत हैं लेकिन तकनीक है। अब आप यानी मेरे जहन में बहुत से अंग्रेजी नाम आ रहे हैं उसे मैं यहीं छोड़ता हूँ। बहरहाल ये कि बेदी को के यहाँ कोई उस तरह के तरक्की पसंद मौजूआत नहीं हैं, लेकिन उससे जिस खूबी से टेक्निक का अमल उनके यहाँ नज़र आता है वही सबसे बड़ी तो उसकी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर के आदमी से लखनऊ के तलफ्फुज़ की तवक्को नहीं कर सकते, वोकल कॉर्ड का मसला है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब। हजरात आप प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब की पुरमग्ज़ गुफ्तगु समाअत फरमा रहे थे। देखिए किसी भी इदारे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनका उसमें इंटरेस्ट लेना, प्रोग्रामों के अंदर इंटरेस्ट लेना, इदारे के अंदर इंटरेस्ट लेना, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, इमादुद्दीन साहब, तमाम ट्रस्टीज़ और ख़ास तौर से मैं सदीक़ुर्रहमान क़िदवाई साहब जो हमारे सरपरस्त हैं,
देखिए आप सेक्रेटरी हैं यहाँ, आज आपको करीब 2003 से हैं आप, तो इस तरह से एक सेफ हैंड, खुला हाथ आप देते हैं सबको काम करने का, कभी किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं, कोई भी प्रपोजल जाता है यहाँ से, या कोई भी हम नोटिंग जाती है किसी तरह से, कोई मंजूरी लेनी होती है तो सर कभी उसको पढ़ते भी नहीं हैं, क्या है दिखाओ मुझे, और फौरन साइन किया और हम लोगों को दे देते हैं, तो इतना एतबार करते हैं। तो वही है कि देखिए जब हमारे सरपरस्त इतने ये समझे फाल हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर भी थोड़े बहुत असरात होते हैं उसके। तो मैं बहुत ही मशहूर ममनून हूँ प्रोफेसर किदवाई साहब का कि जिस तरह से वो आबियारी कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट की, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी सेहत दराज करे। मैं ख़ास तौर से मशहूर ममनून हूँ जावेद काकरू साहब का, अल्ताफ अंजुम साहब का, आदिफ साहब का, उबैदुर्रहमान हाशमी साहब का, नफीस अब्दुल हकीम। सेमिनार का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि एक बाकायदा पढ़ लिया जाए और सब उसे सुन लें और चले जाए, बल्कि तबादला ख्याल भी, और तबादला ख्याल ही नहीं बल्कि ख्याल का तसादुम भी होना चाहिए, और हो सकता है तो तसादुम के मानी ये नहीं है कि कोई आज की जो दहशतगर्दी वगैरह चल रही है उससे उसका ताल्लुक हो, बल्कि ये कि सेमिनार का असल मकसद यही है कि इल्मी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक लकीर पर चलने वाली रवायत नहीं है, बल्कि लोग सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, मेहनत करते हैं, नए नए ख्यालात लाते हैं, और उनमें एक तरह का तजुर्बा होना चाहिए और होता है, जिसकी हम तवक्को भी करते हैं। तो लिहाजा सेमिनार में आम तौर से तो इस बात की की जाती है और हम भी करते हैं कि आइंदा भी सेमिनार में तबादला ख्याल हो, डिस्कशन हो, और सिर्फ एक ही नुकता नज़र सामने ना आए बल्कि मुख्तलिफ किस्म के नुकता नज़र सामने आए, और उनमें इत्तेफाक राय ना हो, लेकिन फिर भी ये पता चले कि जीती जागती ज़बान का, जीती जागती जीते जागते इदारे में एक सेमिनार हो रहा है जहाँ वो सब लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं, गौर करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं और इत्तेफाक भी करते हैं, और उन सब चीज़ों को सामने लाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस सेमिनार में इस तरह की एक रवायत जो होनी चाहिए ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पेश की गई, आखिरी सेशन में की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जारी रहना चाहिए। बहरहाल मैं क्या करूँ, ये गालिब सेमिनार के बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारा मकसद ये है कि अदब और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का एक इदराक हो और उन सब को अपना मद्देनज़र रख कर गुफ्तगु हो। मैं गालिब या गालिब से मुतालिक ही बात ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि खुद गालिब जिस किस्म के शायर और जिस किस्म के अजीब थे और जैसी शख्सियत उनकी थी वही ऐसी थी जो न सिर्फ दुनिया बल्कि तमाम कायनात का मुआसरा करती है। हम तवक्को करते हैं और आइंदा भी इतनी कोशिश करेंगे कि जो हमारे उन्वानात हों वो सब ऐसे हों कि जो महज एक लकीर के फकीर पर के लिए ना हों, बल्कि जिसके अंदर इसकी गुंजाइश हो कि लोग मुख्तलिफ किस्म की नई बातें सोचें, कहें, और मवाद हमारे सामने ऐसा आए कि जो पहले नहीं आ जाता। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ अदब ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदलती है, ज़िंदगी के साथ अदब बदलता है, और अदब से दिलचस्पी रखने वाले नए नए लोग आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं पिछले वर्षों से कालीन इंस्टीट्यूट से और कुछ इदारों से वाबस्ता रहा हूँ कि नई नस्ल के लोग हर साल और हर बार आते हैं, और वो अपने पूरे जोश खरोश के साथ और पूरे एहतमाम के साथ अपनी बात पेश करते हैं, और इस बात का एहतमाम करते हैं कि नई नस्ल के जो रवैये हैं उनको कबूलियत दी जाए, अगर कबूलियत न भी दी जाए तो कम से कम उन
کے اوپر گفتگو کی جائے، اسے سنا جائے اور اس کی بنیاد پر آئندہ کی طرف بڑھے۔ تو سیمینار کا مقصد بحث آج کی دنیا نہیں ہے، ہم مشرق دنیا نہیں ہے بلکہ مستقبل کی دنیا بھی ہے۔ اور یہ جو ہم حاضر انسٹیٹیوٹ نے ریسرچ اسکالرس کے سیمینار، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبا کے سیمینار اور ان سب لوگوں کو مختلف موقعوں پہ بلانا اور ان کی خیالات کی اشاعت کرنا، یہ سب جو ہم نے کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ادب کی جو اصل روح ہے، یعنی اس کی ایک دائمی حیثیت جو ہے وہ رہے اور وہ قائم رہے اور بڑھتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار اپنے مقصد میں اس اعتبار سے پورا ہوگا اور ہمارے جو بھی ہمارا نکات تھے اور سامعین تھے انہوں نے اس میں بڑی ہی سرگرمی سے اور جوش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ یہ سیمینار ہمارا دسمبر میں ہونا چاہیے تھا، مگر دلی کے جو حالات تھے، وبا وغیرہ جو پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اسے مارچ میں پوسٹ پون کیا۔ اور شاید اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب موسم دسمبر کی طرح سخت نہیں رہا، جب بہت سے لوگ دسمبر کے سیمینار میں آنے میں ہچکچاتے تھے، تکلف کرتے تھے۔ تو بہرحال آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ اگرچہ دسمبر کا سیمینار بھی اچھا ہوتا ہے اور ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور تاریخوں کو ہم مد نظر رکھیں۔ میں عتیق اللہ صاحب، خاص طور سے آپ نے کی نوٹ ایڈریس بھی دیا تھا اور آج بھی جو بات سے فرمائی وہ بہت ہی اہم ہے، انیس اشفاق صاحب بھی، یعنی یہ دونوں حضرات ہمارے غالب انسٹیٹیوٹ کے ایک طرح سے رکن سمجھیے اور بہت پرانے، جنہوں نے ہمیشہ سیمیناروں میں اور یہاں کے کاموں میں بہت ہی گہری دلچسپی لی ہے، اور ان کے ہم احسان مند ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کا تعاون اور ان کی پریزنس ہمارے سیمیناروں کے اندر بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ میں ادریس صاحب یہاں موجود ہیں، ادریس صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد، یہ ادارے سے کچھ 35-36 سال سے وابستہ ہیں، رضا حیدر صاحب کے زمانے سے تھے اور ہمیشہ سے بے حد سرگرم رہے ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ کو چلانے میں، اس کو منظم کرنے میں دن رات انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اب جب وہ ڈائریکٹر ہوئے ہیں، جو انہیں بجا طور پر ہونا چاہیے تھا، تو ان کی وہ صلاحیتیں جو ہیں چیزوں کو منظم کرنے کی، لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی، اپنے وسائل پیدا کرنے کی اور پھر طریقے کے ساتھ ان سب چیزوں کو منظم کرنے کی، یہ صلاحیت جو ان میں ہے اس کا پورا آپ نے ادھار اس سیمینار میں دیکھا ہوگا۔ وہ اور ان کے سارے ساتھی اور ہماری جو پوری ٹیم غالب انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں سب لوگ موجود ہیں، میں ان سب لوگوں کا بہت احسان مند ہوں۔ یعنی کسی بھی ادارے میں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں اور ادارے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، جن کے پاس گرانٹس اور ایڈز ہوتی ہیں، جنہیں حکومت کی سرپرستی بھی آتی ہوتی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے ان کو امداد ملتی ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ اکیلا ادارہ ہے کہ جو صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے غالب سے دلچسپی رکھنے والے، اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے، اور وہ سب لوگ کہ جنہیں ادب سے دلچسپی ہے، جن کے خون میں ادب ہے، وہ اس غالب انسٹیٹیوٹ سے ایک دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں اور بالکل اسی طرح شریک ہوتے ہیں جیسے وہ یہ ان کا اپنا ادارہ ہے۔ اور یہ بڑی خوبی اور خوشی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے غالب انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی اب ایک حیثیت دوسرا ہے، ایک یہ یونیورسٹی تو نہیں ہے لیکن علمی حیثیت اس کی بہت بڑی ہو گئی ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر سارے ملکوں میں جہاں کہیں بھی اردو والے ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ ہم بین الاقوامی سیمینار کہتے ہیں ہم اسے، اس بار ہمارے لندن سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے اس سیمینار میں تشریف لائے، لیکن
ہر سال ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں بھی اردو والے بولنے والے جاننے والے لکھنے والے موجود ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں آئے. پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور جگہوں سے آتے تھے, یورپ کے ملکوں سے, امریکہ سے, لیکن اس بار بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے, خاص طور سے بیماری کی وجہ سے, وبا کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی سیمینار بین الاقوامیت قائم نہیں کر سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وہ مجبوری تھی کہ جس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا, اور آئندہ ہم اس کا خیال کریں گے کہ ہم یہ اتنا ہی مجبوریاں ہمارے راہ میں جائیں یا آئیں بس کی طرح سے اس کو دیر کر دیں. تو اس میں ہمیں سب کا تعامل حاصل رہتا ہے, خاص طور سے سفارت خانے مختلف ملکوں کے سفارت خانوں سے ہمیں پوری مدد ملتی ہے. ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور ہوم منسٹری سے بھی مدد ملتی ہے, اور یہ ہمارا سیمینار اسی اعتبار سے بہت کامیاب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آئندہ آپ اگر تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجبوریاں نہ ہوں اور ہم سے بہتر کر سکیں. میں جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں تین دنوں میں گزارے ہیں, اگر ان کو کچھ زحمتیں ہوئی ہوں گی تو میں اس سے ان کی معافی معذرت کرتا ہوں. لیکن بہرحال آج کل کی زندگی میں اور دنیا میں تھوڑی بہت زحمتیں تو ہوتی ہیں اور ان سے ایک الگ رنگ آتا ہے کوششوں میں. میں اپنے سارے ساتھیوں کا, غالب انسٹیٹیوٹ کے سارے ارکان کا, ڈاکٹر ادریس احمد اور سارے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سیمینار کو آرگنائز کرنے میں اتنی محنت کی اور اس طریقے سے آرگنائز کیا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی مسئلہ کسی کے سامنے بہت نہیں آتا ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمارے پروگراموں میں اسی طرح سے آپ لوگ ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کی تشہیر کریں اور آپ کو مدعو کرنے کی کوشش. بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان پدوائی صاحب. حضرات, آپ اس سیمینار کے کنکلوڈنگ سیشن کی صدارتی تقریر سماعت فرما رہے تھے. سر, سیمینار میں ہم لوگوں کو سر دو محمود الاسلام صاحب ربانی صاحب کا بنگلہ دیش سے ایکسیپٹنس مل چکا تھا سر, ایشورینس تھا, فون تو ان سے رابطہ تھا, انہوں نے عین وقت پہ جمعرات تک انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, لیکن عین وقت تو انہیں ویزا نہیں مل پایا. ایجپٹ سے, ترکی سے, ازبیکستان سے اور ایران سے 9 لوگوں کی ہمیں منظوری مل چکی تھی اور انہوں نے اپنے جو عنوانات تھے وہ بھی ہمیں بھجوا دیے تھے, میل کر دیے تھے, انہوں نے مقالات بھی انہوں نے تحریر فرمائے, لیکن یہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں تشریف نہیں لا پائے. اور اسی دوران جاوید کاکو صاحب سے کا فون آیا میرے پاس اور میں نے یہ لبرٹی لیتے ہوئے فوراً لپک لیا اور آپ سے درخواست دی کہ فوراً چلے آئیے آپ. سر, بین الاقوامی غالب سیمینار موضوع معاصر اردو ادب میں تخلیقی رویے کے تحت 36 مقالات یہاں پیش کیے گئے. یہ انشاءاللہ آئندہ 6 مہینے کے اندر تک کتابی شکل میں آ جائیں گے اور آپ سب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچیں گے اور اس کو آن لائن بھی کیا جائے گا. ابھی ہماری ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے غالب انسٹیٹیوٹ کی, اس کے اندر ہم نے آڈیٹوریم کی بکنگ, سیل آف پبلیکیشن اور میوزیم لائبریری سب ہم نے آن لائن کر دیا ہے. ہماری کسی بھی اگر کسی کو میوزیم میں کچھ بھی تلاش کرنا ہے, جانا ہے, اس کو سرچ کرنا ہے, اس کو جیسے ہی آپ جائیں گے پوری ڈیٹیل ہماری جو میوزیم کی ویڈیو بھی ہوگی, آڈیو بھی ہوگی, فوٹوگرافس بھی ہیں اس کے اندر, تمام تر جانکاری جو ہے ہماری میوزیم کی اس کے اندر جو مینوسکرپٹ وغیرہ ہے وہ سب اس پہ مل جائے گی. اسی طرح سے ہماری جو لائبریری کے اندر 25,000 کتابیں ہیں, جن میں سے 2,000 کتابیں ایسی 2,000 سم تھنگ کہ جو غالب عہدہ غالب سے متعلق ہیں, وہ سب ہماری آن لائن ہیں. ہماری اپنی پبلیکیشن غالب انسٹیٹیوٹ کی 197 بکس ہیں, وہ بھی آن لائن ہیں. ہمارا غالب نامہ
जो तादाद शुमारे हमारे 2010 से बाद के हैं वो सब ऑनलाइन हो चुके हैं सर। गालिब इंस्टीट्यूट की जो मतबूआत की फरोख्त है वो सब ऑनलाइन है, किसी को जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ हमारी वेबसाइट पर जाइए, उसके रेट, उसके सफ़ात, पूरी जानकारी उसके अंदर है, और आप क्लिक करेंगे तो उसके रेट वगैरह डिस्काउंट कितना है वो सारी मालूमात उसके अंदर हो जाएगी और ऑनलाइन आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो हजरात, मैं अब आखिर में प्रोफेसर सदीकुर रहमान तिजवाई साहब, प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब, मनीष असवाक साहब, खसूसन जावेद कापुरू साहब, अल्ताफ अंजुम साहब, जहीर रब्बानी साहब, शहनाज मैडम, उबैदुररहमान हाशमी साहब और तमाम सामईन का बेहद मशहूर और ममनून हूँ। जैसा कि एक लफ्ज़ हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एहसान मंद हूँ, हकीकत में मैं एहसान मंद हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है यहाँ, तो सर मैं आप सभी लोगों का एहसान मंद हूँ, और ज़रा सी भी आपको कोई तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा ख्याल रखूँगा, आप निशानदेही कीजिएगा उसकी कि अगर हमसे कोई कोताही रही है, कोई कमी रही है, इंशाल्लाह आइंदा उसकी कोशिश करेंगे कि वो मौका ना आए। आप सभी से दरख्वास्त है कि इस सेशन के बाद में हम जो यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके तलबा को हम लोग बुलाते हैं, उन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है शुरू से 11 तारीख से इफ्तिताही इजलास से अब तक, वो सब शामिल हैं यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको हम लोग सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट का और गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से किताबों का तोहफा पेश करते हैं। और उसके बाद हमारा आखिरी जो तकरीब है गालिब इंस्टीट्यूट की वो प्ले है, उर्दू प्ले मुशायरा रफ्तगान, इसकी तहरीर और हिदायत है डॉक्टर सईद आलम साहब की। ये सही 6:30 पे जो है स्टेज होगा। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि यहाँ से फारिग हो करके आप वहाँ तशरीफ लाएँ और महसूस हों। मुश्ताक साहब से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएँ और तमाम सर्टिफिकेट की तकसीम कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पर तशरीफ और मेहमान कराम की इजाज़त से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चूँकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन काफ़ी हुए हैं, उसमें एमए के भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन हमारा एक उसूल है कि पीएचडी और एमफिल वाले को हम देते हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे हम और उनका नाम लेंगे, एक एक करके आप तशरीफ लाएँ और अपने सर्टिफिकेट और किताब को मेहमान कराम के हाथों से हासिल करें। सैयद आमिर हुसैन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पीएचडी स्कॉलर। सैयद आमिर हुसैन, मोहम्मद वकार अशरफ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दानिश इकबाल जेएनयू, दानिश इकबाल नाम नहीं है, आप वही दे सकते, नाम नहीं है, नहीं नाम मोहम्मद अखलाक जेएनयू, मोहम्मद खुर्शीद आलम जेएनयू, मोहम्मद जावेद आलम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मोहम्मद यूसुफ रजा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अब्दुल रहमान जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक आगे चले जाओ मत पक लग जाएगा, जल्दी जल्दी चलते जाओ, बोलिए नाम हो जाता है। मोहम्मद अब्दुल रहमान जी, एक आगे दे दो, उनके हाल हो गई है। मोहम्मद शाहनवाज खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया, पीछे से आ जाइए, कुछ लोग पीछे से आ जाइए, ये कुछ इधर से आ जाइए, ये सब कुछ इधर से, ये सीट पर दूसरा नाम है।